हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश पंचकोटे की सब्जी। इसको खासकर शीतलाष्टमी के शुभ अवसर पर बनाया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। ये एक सूखी सब्जी है और इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पंचकूटे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिए कैर, सांगरी और कुमटी है। सांगरी की मात्रा ज़्यादा है और कैर और कुमटी है जो एक एक कटोरी ली है मैंने। इनको मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया है और जब मैंने इनको भिगोया था तब मैंने इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला था। इससे क्या होता है कि जो सांगरी का कलर है बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालें। साथ में लिए मैंने लाल वाली सूखी वाली मिर्च और थोड़ी सी किशमिश। किशमिश इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है सब्जी का। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे ये कैर सांगरी जो भी है हमने सारी ली थी। इनको हमें थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि ये थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए और खाने में अच्छी लगेगी। तो पानी से निकाल के इसको डाल देंगे। इसको जब मैंने भिगोया था तो अच्छे से 3-4 पानी से पहले धो लिया था, फिर साफ़ पानी में डाला और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच या एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और इसको रात भर के लिए छोड़ दिया। और वापस अभी मैंने 1-2 पानी से और धो के फिर इसको कुकर में डाल दिया और कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। और लगभग हमें इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेनी है, 3 सीटी ज़रूर लगाएं इसमें। 3 सीटी आ गई है तो गैस बंद कर देते हैं और इसकी जो प्रेशर है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सांगरी कैर ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। ये सब्जी है जो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। और वैसे अभी शीतलाष्टमी आ रही है तो मैं इसको शीतलाष्टमी के शुभ अवसर पर बनाया है। और वैसे भी आप इसे बना सकते हैं, खाने में अच्छी लगती है, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये सूखी सब्जी है। तो अभी हम वापस आ गए गैस के पास और इसके ऊपर रख देंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, क्योंकि ये सब्जी ऑयल में बनती है, पानी का यूज नहीं करते इसमें। और थोड़ा बहुत एक आधा चम्मच डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक जाए तभी हम इसमें डालेंगे ये सांगरी और कैर। इसमें आप अमचूर भी ले सकते हैं, जो साबुत वाली अमचूर आती है वो भी डाल सकते हैं या पीसी हुई होती है वो भी डाल सकते हैं। या मेरे पास साबुत वाली अमचूर नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, यदि आपके पास हो तो ज़रूर डालें। तो अभी हम इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जो किशमिश ली थी उनको भी अच्छे से धो लेंगे और वो भी डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसके साथ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जो लाल मिर्ची ली थी वो भी मैंने कुकर में साथ में ही बॉईल कर ली थी, जब ये सांगरी वगैरह बॉईल की थी उसमें ही साथ में डाल दी थी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए थोड़ी। तो ये अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। वैसे सूखी सब्जी में थोड़ा नमक कम डाले तो ये अच्छा रहता है। और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। मसाले और सांगरी कैर सब अच्छे से मिल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जैसे छोटे वाले चम्मच से 2 या 3 चम्मच, ये देख सकते हैं आप, इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या हो, मसाला है जो जलेगा नहीं और थोड़ी सी पक जाएंगे अच्छे से।
और एक बात का ध्यान रखिए कि ये सब्जी बनाए तो आप ऐसे नहीं सोचे कि इसको हमने भिगो दिया है तो उबालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ज़रूर उबालें क्योंकि हम इसको वापस तेल के अंदर फ्राई करते हैं और ऐसे तो हमें पहले सॉफ्ट लगती है लेकिन तेल के अंदर फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी कड़क हो जाती है, इसलिए हमें इसको बॉयल करके डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसकी सब्ज़ी है जो अच्छी बनेगी। बिना बॉयल किए इसकी सब्ज़ी ना बनाएं, बहुत ही ऐसे कड़क बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। अभी मैंने इस पर डाला है थोड़े से नींबू सत के दाने, इससे क्या होगी थोड़ी सी हल्की सी सब्जी में खटास आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास अमचूर नहीं थी तो अमचूर की जगह आप वो डाल सकते हैं, यदि आप अमचूर डालें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है, इसको सर्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस शीतलाष्टमी के मौके पर ये सब्जी ज़रूर बनाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।